हेलो फ्रेंड्स। तो आज बात करेंगे पबजी मोबाइल में जो डक फ्लीट नेम से अचीवमेंट आई है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे इसे कंप्लीट किस तरह से करना है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर होने वाली हैं। तो पहले तो इस वाली अचीवमेंट को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको ऊपर की साइड पे अचीवमेंट पे लिखा हुआ दिख रहा होगा 44 डेज़ रिमेनिंग, मतलब ये टाइम लिमिटेड अचीवमेंट है और 44 डेज़ के बाद ये गायब हो जाएगी। उससे पहले इसे कम्प्लीट करना होगा। और अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो डक फ्लीट इसका नेम होने वाला है, और इसमें हमने करना क्या है, ये लिखा हुआ है लीड और बी पार्ट ऑफ एटलीस्ट 6 अटैच डक बोट्स वन टाइम। तो ये करना है आपने कि किसी डक बोट को आपने ड्राइव करना है या पीछे गेट इन करके बैठ जाना है, तो आपकी ये अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो जो डक बोट्स हैं ना, वो 6 अटैच होनी चाहिए आपस में। अब किस तरह से अटैच होंगी और ये कैसे कंप्लीट होने वाली है, सबसे पहले तो आप लोगों को इसकी लोकेशन पर ले जाता हूँ ना मैं कि ये किस जगह पर आपकी अचीवमेंट होने वाली है। तो आप लोगों को पता होगा कि पहले एक ग्लाटा टावर आया था इरेंगल के अंदर। अच्छा, ये ना अचीवमेंट आपकी कंप्लीट भी इसी मोड में होगी, ड्रैगन बॉल जी वाले मोड में ही कंप्लीट होगी, ये आपको सादा इरेंगल में नहीं मिलेगी। इसके लिए आप लोगों ने ये जो इवेंट वाला मैप है ना, वो ही लगाना है, उसी की लोकेशन पे आप लोगों को ये सारी डक फ्लीट्स मिलेंगी, ये डक्स बोट्स मिलेंगी, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि ग्लाटा टावर जो आया था पबजी मोबाइल में, उसके सामने की साइड पे जो पानी रहता है, उधर कुछ आइलैंड्स ऐड होंगे पबजी मोबाइल में। तो उन आइलैंड्स पे जाने के बाद आपको डक बोट्स मिलने वाली हैं। आप लोगों को वो आइलैंड की लोकेशंस भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे मैप में। तो आप लोग यहाँ पर मेरा मार्कर देख लें नीचे की साइड पे, जहाँ पर मैं लगा रहा हूँ ये फार्म के नीचे की साइड पे, जहाँ पर हमारा ग्लाटा टावर भी था और एक पता नहीं कोई इवेंट सा भी बनाया हुआ था पानी के अंदर। तो उसी जगह पर, सेम उसी जगह पर ये वाले सारे के सारे डक फ्लीट्स वाले इवेंट्स ऐड होंगे, जिससे आप लोग इस वाली अचीवमेंट को कंप्लीट कर लोगे। आप लोगों को उस लोकेशन पर भी पहुँच कर मैं दिखा देता हूँ। वो वाली लोकेशन पर जाने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले तो फार्म के नीचे जो भी आइलैंड है ना, वहाँ से कोई बोट वगैरह पकड़ लेनी है और उन वाले आइलैंड्स पे आपने चले जाना है। डायरेक्ट लैंड होने तो डायरेक्ट लैंड हो जाए, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि वहाँ पे कोई इतनी अच्छी खासी लूट नहीं होती है, तो बेहतर यही है कि आप अपनी टीम के साथ वहाँ पर ना जाएं। तो इस वाली जगह पर जहाँ पर मेरी इस टाइम बोट घूम रही है, यहीं पर आप लोगों को वो सारे के सारे आइलैंड्स दिखने वाले हैं, जिससे आप लोग उस वाली अचीवमेंट को, डक फ्लीट वाली को कंप्लीट कर लोगे। वो वाली आप लोगों को आइलैंड्स भी मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये वाली लोकेशन दिखा दी है। अब इस लोकेशन पर आपको अभी फ़िलहाल के लिए आइलैंड्स क्यों नहीं दिख रहे, क्यों आपकी वो अचीवमेंट कंप्लीट नहीं हो रही, क्योंकि ये अपडेट अभी पबजी में नहीं आई हुई है। ये हमारी ऐड होगी जब आपके पास गियर फ्रंट की पावर्स आएंगी ना। आपको पता है कि वो कार को मंगवा सकते हैं और बाकी सारी सप्लाई कन्वर्टर और इस तरह की जितनी एबिलिटीज आती होती हैं। 30 डेज़ के लिए हमारा इवेंट सादा चलता होता है, और 30 डेज़ के बाद ये वाली चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो उसके साथ ही ये आइलैंड भी ऐड होने वाले हैं। तो आपकी अचीवमेंट जो मैंने अभी ओपन की थी, उस पर लिखा हुआ था ना 44 डेज़ रिमेनिंग। जब वहाँ पर ये समझ लें कि 30 डेज़ या 35 डेज़ रिमेनिंग हुआ ना, तब आपको यहाँ पर वो वाले आइलैंड्स शो हो जाएंगे। अब वो आइलैंड्स किस तरह के होने वाले हैं और वो वाली अचीवमेंट आपने किस तरह से कंप्लीट करनी है, ये चीज़ भी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन ये लोकेशन आप लोगों को मैंने दिखा दिया कि इस ही जगह पर आपको आइलैंड दिखेंगे। अभी आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस वाली अचीवमेंट को लेकर। और दोबारा आपने पूछना नहीं है कि ये वाली अचीवमेंट कैसे कंप्लीट करनी है, आपको मैंने टाइम का भी बता दिया, उसकी लोकेशन का भी बता दिया। तो ये सेम उसी लोकेशन पर यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, और आप देखें कि ये वाला आइलैंड, इस तरह के छोटे छोटे आइलैंड ऐड कर दिए हैं, और हम लोगों को यहाँ पर कोई भी लूट नहीं मिल रही है। मे बी बीटा वर्जन है इस वजह से यहाँ पर, लेकिन ड्रॉप के अंदर, यहाँ पर एयर ड्रॉप भी हर आइलैंड पे पड़ा होगा, तो उसके अंदर हमें ड्रॉप वेपन ज़रूर देखने को मिल रहा है। तो वो वेपन आप एक उठा सकते हो, अगर स्क्वाड के साथ आते हो तो एक बंदूक का क्या करोगे। तो इसलिए ना आप लोगों ने ज़रा एहतियात के साथ ही इस वाली जगह पर आना है, क्योंकि ड्रॉप के अंदर से तो आपको ड्रॉप वेपन मिल जाएगा, लेकिन बाकी टीममेट्स को वो किस तरह से आप वेपन्स दोगे। तो उसके बाद इसी आइलैंड के साथ आपको डक्स भी शो हो जाएंगी। तो ये वाली डक थी जिसको आपने ड्राइव करना है, और लेकिन सिर्फ ड्राइव करने से अचीवमेंट कंप्लीट नहीं होगी, 6 डक्स को आपने अटैच करना है। अब अटैच करने के लिए आपने क्या करना है, वहीं पर पानी में आइलैंड के पास डक्स पड़ी रहेंगी, आपने किसी डक के पास आना है, आपको अटैच का बटन शो हो जाएगा साइड पे, तो आपने अटैच कर लेना है। जैसे ही अटैच करेंगे, यहाँ पे देखें एक के साथ एक डक मेरे अटैच हो चुकी है, मतलब ये इस टाइम मैंने 3 डक्स अटैच कर चुका हूँ। तो इस तरह से आपने ना डक्स के पास जाते जाना है, और 6 डक्स की एक लाइन बना लेनी है, पूरी ट्रेन बना लेनी है।
तो उसके बाद जैसे ही आप ड्राइव करेंगे और जो आपके स्क्वाड मेट्स आपके साथ बैठे होंगे उनकी भी कंप्लीट हो जाएगी, भले आप गेट इन करके बैठे रहें या ड्राइव कर लें तो आपकी अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अभी ये अचीवमेंट नहीं आई है तो होप आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन इस अचीवमेंट को लेकर कंप्लीट हो गई होंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा अपडेटेड रहने के लिए। अल्लाह हाफिज़।